नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट फ्यूचर यूट्यूब चैनल से ईआर गुरप्रीत सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा सीपी प्लस के डीवीआर में अगर आपके पास ओल्ड कैमरेज हैं तो आप उसमें उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर पुराने कैमरेज पड़े हैं तो आप उनको ऐड करने के लिए जो उनमें एक फंक्शनलिटी होती है डीवीआर के अंदर, तो आप उनको किस तरीके से ऐड कर सकती हैं। तो मान लो आपके पास कोई पुराना कैमरा टीवी कैमरा है, तो वो टीवी कैमरे को अगर आप सीवीवीएस मोड पे चलाओगे तो वो उसमें वो ब्लैक एंड वाइट या फिर हाफ पिक्चर शो करेगा। तो आप आज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अपने जो कैमरे हैं वो किस तरीके से, जो आपके पास ओल्ड कैमरे हैं तो किस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये मेरे पास जो अभी सीपी प्लस का 4 चैनल डीवीआर है, तो इसमें आपको मैं अभी बता देता हूँ कि आप इसमें किस तरीके से आप कैमरे हैं वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके की वीडियो आप मेरे कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और इस इंफॉर्मेशन को अगर अच्छी लगे तो आप शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपने जाना है मैन मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर आप जाओगे कैमरे में जाके आप इनकोड पर जाओगे। इनकोड में जाने के बाद आप चैनल टाइप में जाओगे। चैनल टाइप में जैसे यहाँ पे ऑटो आ रहा है तो ऑटो में, वैसे ऑटो भी ले लेता है लेकिन कई बार नहीं लेता ऑटो में, तो यहाँ से अपने जैसे मान लो अपने पास सीवीआई कैमरा है, जैसे मान लो अपने फर्स्ट नंबर पे ऐड करना है सीवीआई कैमरा, तो फर्स्ट नंबर पे ऑटो है तो यहाँ पे एचडी करना है। जैसे अपने पास कैमरा एचडी है या एएचडी है, सीवीवीएस मोड पर करना है। जैसे मान लो जो पहले क्वांटम वगैरह के या टीवीएल कैमरे थे वो चलते थे, तो वो ऐड करने तो वो भी ऐड कर सकते हो। और मान लो आपके पास कोई आईपी कैमरा है, आईपी कैमरा आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आईपी भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और ये इन सभी के सीवीआई एचडी एएचडी सीवीबीएस और टीवीआई और आईपी, इनको भी आप यहाँ से जो भी आप इनके मोड, आप अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मेरा कैमरा कौन सा है तो आप इनको चेंज करके यहाँ से अप्लाई करके सेव करके आप इनमें से देख सकते हैं। तो जो आपका यहाँ से कैमरे का फंक्शनलिटी होगी, और वो आपका एचडी में जो कैमरे आते हैं वो इसी टाइप में होते हैं, सीवीआई एचडी और एचडी सीवीवीएस और टीवीआई, ठीक है। और अगर आप आईपीए में, अगर आपने कोई मान लो फॉर एग्जांपल कोई आईपी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे दो कैमरे सेलेक्ट करोगे और उनके आईपी वो सर्च कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो आप यहाँ पे आईपी भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लो और सेकंड थिंग इसमें ये है कि आपने जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करनी है तो आप राइट क्लिक करके इसमें आप सर्च में जाओगे, सर्च में जाके आप रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो ग्रीन शो कर रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का है वो बन के आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं है इसमें, लेकिन ये रिकॉर्डिंग का बन के आ रहा है। यहाँ से आप डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, और ये वाले ऑप्शन से आप जैसे कैमरा वगैरह मान लो ये सिंगल कैमरे की आपने चेक करनी है तो यहाँ पे ये सिंगल कैमरे एक ही लाइन यहाँ पे बन के आ गई। नीचे जो ब्लैक पट्टी दिखा रहा है बिलो में, तो ये एक ही पट्टी दिखा रहा है। ये नीचे टाइमिंग चल रही है, अगर आपका 24 आवर्स का टाइमिंग है तो यहाँ पे 24 आवर्स का शो करेगा। जैसे 16, 17, 18 यहाँ पे जितने भी है, जैसे भी आपने चेक करनी है तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। यहाँ से आप डेट वगैरह सेलेक्ट करके रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। और अब मैंने लॉग आउट कर दिया था, अब जैसे मैंने पासवर्ड लगाएंगे पैटर्न, तो पैटर्न के हिसाब से आप इसको ओपन करके, और ये आप स्टोरेज वगैरह चेक करना चाहते हो तो एचडीडी मैनेजमेंट में जाके स्टोरेज भी आप चेक कर सकते हो। तो कई बार जो डीवीआर में प्रॉब्लम आती है वो एरर बीप ट्यून देने लगता है, तो यहाँ पे क्या है कि उसका स्टेटस है वो एरर देने लगता है। तो एरर देने का मीन्स ये होता है कि वो मतलब हार्ड डिस्क में है या तो पावर का फ्लैक्चुएट हुआ है उस वजह से, या फिर आपका कंटिन्यू जैसे हार्ड डिस्क चल रही थी उस वजह से भी यहाँ पे कई बार स्टेटस है वो एरर शो करने लगता है। तो अगर हार्ड डिस्क में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सेटिंग में जाके मेन मेन्यू में जाएंगे, मेन मेन्यू में जाके आप स्टोरेज में जाएंगे, स्टोरेज में जाके आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अपने हार्ड डिस्क है ये, इसको सेलेक्ट करोगे
ठीक है, ये सिलेक्ट होगी। अब आपने फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे जैसे 457 आ रहा है तो ये इसमें फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट अपने यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे हार्ड डिस्क को ये सिलेक्ट करोगे यहाँ पे और फिर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे। मान लो कोई भी एरर आ रहा है आपके हार्ड डिस्क में तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंफर्म फॉर्मेट द सिलेक्ट ड्राइव, तो ये पूछ रहा है अपने से कि आपने करना चाहते हो। हाँ कन्फर्म है तो आप ओके कर दोगे। ये आपकी हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेट हो रही है अभी, ठीक है। तो ये आपकी हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेट हो गई है। तो जैसे हम यहाँ पे ये अभी स्टेटस नॉर्मल बता रहे हैं, यहाँ पे कई बार एरर आता है तो एरर में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डीवीआर को रिस्टार्ट करके फिर आप फॉर्मेट करके डीवीआर को रिस्टार्ट करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। जो बीप टीम की अब वॉल्यूम होता है तो आप उसको भी यहाँ से बंद कर सकते हो। तो मैंने मेनली आपको मैंने ये तीन टॉपिक बताए हैं। अगर आपने कैमरा है वो आप जो डीवीआर में जो अगर आपके पुराने कैमरे हैं, जैसे न्यू तो ऑटोमेटिकली ले लेता है, लेकिन जो आपके पास फॉर एग्जांपल दो कैमरे हैं जो सीपी प्लस के हैं या फिर डुआ के हैं, जो नए कैमरे हैं वो तो ऑटोमेटिकली ले लेता है, लेकिन उसी के अंदर जैसे आपने कोई एक टीवी कैमरा लगा दिया, दो आपके पास एचडी हैं, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम शो होती है कई बार, क्योंकि वो ऑटो में दो वो ले लेता है और एक वो कैमरा है वो उनकी पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट शो होती है। तो ये प्रॉब्लम आप जो मैंने बताया था कैमरे में जाके इनकोड में जाके वहाँ से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक आपको मैंने रिकॉर्डिंग का बताया है जो कि रिकॉर्डिंग का जो सर्च में जाके आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और ये अभी जो हार्ड डिस्क फॉर्मेट की थी उसकी वजह से ये डीवीआर है उस रिस्टार्ट हो गया। और थर्ड था जो मैंने आपको अभी बताया जो हार्ड डिस्क में एरर होता है कई बार, हार्ड डिस्क जैसे कंटिन्यू चलती है तो उसमें कई बार क्या है कि एरर शो करने लगता है नो एचडीडी या इस तरीके का एरर है वो डिस्प्ले पे वो शो होने लगता है। तो आप इस ऑप्शन में सेटिंग में जाके स्टोरेज में आपको जिसे मैंने अभी बताया था उसमें जाके एक बार हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके डीवीआर को रिस्टार्ट करके देख लीजिए तो आपकी 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर फिर भी अगर आपके पास हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट ना हो, आपकी हार्ड डिस्क वगैरह 0 MB की शो कर रही हो, हार्ड डिस्क अगर आपकी ख़राब हो गई है तो उसकी बीप ट्यून है जो डीवीआर की, तो वो क्या है कि उसको आप कैसे बंद कर सकती हूँ। तो ये अगर आप ये नेक्स्ट इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन वो आपको लिंक में दे दूँगा, या फिर आप हमारे साथ जुड़ी रहिए और आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस तरीके की जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।